हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आई हूँ 2-in-1 रेसिपी जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। सबसे पहले लेंगे बाउल, उसके अंदर डालेंगे छलनी। छलनी के अंदर हम डालेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन को हमें छान लेना है, ये देखिए, क्योंकि छानने के बाद जो हमारा बेसन है वो बिल्कुल लम्स फ्री हो जाएगा और बैटर भी बहुत ही स्मूथ बनेगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी अच्छे कलर के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें स्मूथ सिल्की बैटर बनाना है। पानी आप एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए पोरिंग का। मैं आपको करछी से भी करके दिखाती हूँ, ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल पतला, बिल्कुल इस तरह का ही होना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और साथ में लेंगे 1.5 कप पानी, क्योंकि चाशनी हमें बिल्कुल गुलाब जामुन की चाशनी जैसी ही बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी। फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची के दाने, आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट पकाने के बाद जो चाशनी है वो गाढ़ी चिपचिपी हो जाएगी। हमें यहाँ तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट के बाद हमारी चाशनी रेडी है। अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। तेल हमने गर्म होना रख दिया और ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद जो हमारा बेसन है वो अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा भाग एक कटोरी में डाल लेंगे, ये देखिए, क्योंकि हमें येलो भाग की ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रीन वाले की कम, तो इसलिए से अब हम इसमें एक कटोरी के अंदर डालेंगे 1 पिंच ग्रीन कलर। आप अपनी मर्जी से कोई और कलर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिलाएंगे कुछ भून रही, और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन बैटर भी बनकर तैयार है और येलो भी। तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। इस तरह से हम एक प्लेट लेंगे जो सभी के घर में होती हैं, ये छेद वाली जिसके अंदर होल हैं। बैटर डाल के ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर से बूंदी कितनी अच्छी और गोल गोल निकल रही हैं, और हमें बस बैटर डालने के बाद इसे एक ही जगह स्टेबल रखना है ऐसे। और सेकंड मेथड है हमारा ये छोटा सा ग्रेटर, जिसे कि डालने में इससे भी छोटी बारीक बूंदी निकल आएंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड मेथड हमारा पूरी छानने वाली जो छलनी होती है इससे। आप इन तीनों में से किसी मेथड को भी यूज़ करके बूंदी बना सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में इन्हें भी शेयर करूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट के बाद जो हमारी बूंदी हैं वो कितनी अच्छी गोल बनकर कुरकुरी तैयार हुई हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये बहुत ही क्रंची बनी है। इसी तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे ग्रीन वाले बैटर की बूंदी। ये देखिए, जैसे आप बैटर डालते जाएंगे बूंदी अपने आप नीचे गिरती चल जाएगी। वैसे भी हमें 2 से 3 मिनट तलने के बाद निकाल लेना है। ये जो बूंदी हमारी बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुई है, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और अब मैं आपको इन्हें तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ही क्रंची बनी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और सिर्फ 1.5 कप बेसन से हमने इतनी सारी बूंदी बना ली है फ्रेंड्स। त्योहारों में इस तरह की रेसिपी एकदम से बनाकर रखने में बहुत ही फ़ायदा होता है, और ना टाइम की भी बचत होती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। अब हम अपनी दोनों बूंदियों को चाशनी के अंदर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनमें से दोनों में से ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन रख लिया है, पूरी तरह से नहीं डाली, क्योंकि मुझे अपनी सेकंड रेसिपी भी बनानी है जो कि आपके लिए सरप्राइज़ है। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी में डालने के बाद अब हम इन्हें लगभग 1 घंटे के रख देंगे। चाशनी हमारी हल्की गर्म थी, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, हल्की गर्म चाशनी में ही डालना है। इसे अब हम 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सरप्राइज रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है और जो हमने बूंदी बनाई थी उसे डाल देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और हमारा इस तरह से झटपट से जो रायता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। हल्की सी सजावट के लिए मैंने ग्रीन बूंदी डाली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एक 1-in-1 नमक, जिसमें सभी चीज़ें पहले से ही मिली हुई हैं, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, बस यही डालेंगे और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस नमक की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए
मैं इसकी शेयर ज़रूर करूंगी। ये मेरी मदर की रेसिपी है। ऊपर से हमने डाले हैं पुदीने के पत्ते और हमारा रिफ्रेशिंग सा ताज़ा बूंदी का रायता बनकर तैयार हो गया है कुछ ही सेकंड्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बूंदी रायता है वो भी कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है, है ना। 2-in-1 रेसिपी कि एक ही बैटर से हमने स्वीट भी और सॉल्टी भी दोनों ही रेसिपी बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक घंटे बाद जो हमारी बूंदी है वो भी कितनी अच्छी रसीली बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, आप चाहे तो इन्हें ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। अब मैं इन्हें जो छान लूँगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, एक छलनी लेंगे, उसके अंदर से हमें जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे रह जाएगी और बूंदी हमारी छलनी में। और इस तरह से फ्रेंड्स, झटपट से हम अपने घर में बहुत ही जल्दी मीठी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं और रायते के लिए भी। हमारी दोनों ही रेसिपी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि त्योहारों पे ऐसी अच्छी अच्छी और भी रेसिपी बहुत सारी आने वाली हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।